हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है और आज हम 10th स्पेशल लेकर के आए हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं का जो NCERT का बुक है उसमें एक चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 7 में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, और उससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक साल कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 1 मार्क और 2 मार्क ये दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकालना है बिना किसी फॉर्मूला को याद किए हुए, हम लोग जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग भी 10वीं का स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग दोबारा कभी भी जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए शुरू करते हम लोग कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसे ही अगर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है तो इसके लिए दूरी सूत्र बना हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के हम लोग यूज करके और किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। हमारे पास हम जो है दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1, 2, 3 और 4, 1 ये हमारा दो बिंदु है जिसका निर्देशांक हमें दिया गया है कि एक बिंदु में 2, 3 और इसके बाद 4, 1, दूसरा में -5 और 7, -1 और 3। हमें जो है इसका दूरी निकालना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हमें कैसे निकालना है यही हम लोग निकालेंगे। मान लेते हैं हम कि ये दो जो बिंदु है इसको हम लोग A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो हम लोग A और B के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग P मान लेंगे, इसको हम लोग Q मान लेंगे, तो PQ के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है, दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। अब दूरी सूत्र जरूरी नहीं है कि आपको रटना है, इसको जो है रटने वाली कोई चीज नहीं है, दूरी सूत्र बिल्कुल आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं। तो दूरी सूत्र जो होता है कि x में से आप x घटा दीजिए और y में से y घटा दीजिए और रूट के अंदर में रख दीजिए, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो हम लोग दूरी सूत्र बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि x2 घटे x1 का होल स्क्वायर लगाएंगे और y2 घटे y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे और इसको जो है रूट के अंदर में बंद कर देंगे। या हम ऐसा भी इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि x1 घटे x2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं और y1 घटे y2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। बस हमें यहाँ करना है कि आप x में से x को घटा दो और y में से y को घटा दो, भले ही आप x2 में से x1 घटाओ या x1 में से x2 घटाओ, ये दोनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो हमें जो x में से x घटा देना है, y में से y घटा देना है रूट के अंदर में, और हमारा जो दूरी वो निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को बना करके देखते हैं कि हमारा जो ये बिंदु है A और B इसके बीच की दूरी कितनी होती है। तो हम लोग यहाँ पर अगर निकालेंगे तो हमारे पास x1 और y1, इस बिंदु को हम लोग मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1, अर्थात पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग जो लिख सकते हैं कि x1 हमारा जो है वो 2 है, y1 जो है वो 3 है, इसके बाद x2 जो है वो हमारे पास 4 है और y2 जो है हमारे पास 1 है। अब हमें AB के बीच की दूरी निकालनी है तो बस हमें फॉर्मूला यही लगा देना है कि x2 घटे x1 का होल स्क्वायर लगा देंगे और y2 घटे y1 का होल स्क्वायर लगा देंगे। बस हमें यहाँ मान लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो x2 हमारे पास दिया गया है 4, तो हम लोग लिखेंगे 4, और x1 दिया गया है 2, तो हम लोग लिखेंगे 2। तो 4 घटे 2 का होल स्क्वायर और y2 घटे y1 अर्थात 1 घटे 3 का हम लोग होल स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर करेंगे कि 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और 2 -2 का स्क्वायर तो ये भी 4 हो गया। दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास √8 आएगा। अब इसका जो है हम फैक्टोराइजेशन करेंगे अर्थात वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 2 × 4 × 8। अब हमें यहाँ पर पेयर करना है और इसमें से एक बाहर कर लेना है,
तो 8 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो 2√2 होगा। हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा 2√2 इकाई। तो यहाँ पर जो हमारे पास बिंदु दिया गया है 2, 3, 4, 1, अगर इसका दूरी निकालेंगे तो इसका आंसर 2√2 इकाई निकल के आएगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, अगर हम यहीं पर PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वो भी इतना ही आसानी तरीका से। बस हमें जो है X1 का मान यहाँ पर -5 दे रखा है, Y1 का मान 7 दे रखा है, X2 का मान -1 दे रखा है और Y2 का मान 3 दे रखा है। बस हमें या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आंसर वही आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कि X2 घटे X1 अर्थात -1 घटे -5, तो हमारा ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे -1, और हमें यहाँ -5 घटाना है तो ये प्लस हो गया। इसके बाद Y2 घटे Y1 तो 3 घटे 7 करेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ रूट के अंदर में लिखेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 का स्क्वायर, 3 में से अगर 7 घटा लेंगे तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हमारा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो √32 होगा। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो फैक्टोराइजेशन करके 2 × 4 × 8 × 16 × 32। अब इसका जो है हम पेयर कर लेंगे और इसमें से दो बाहर निकाल लेंगे तो हमारा हो गया 4√2 इकाई, हमारा आंसर हो गया। तो 10वीं का ये बहुत ही स्पेशल चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन जो प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना है तो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से, इस फॉर्मूला के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।